पापा कहाँ है? वही तो भैया, पापा कहाँ गए? बाथरूम में। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद था, पापा कहीं बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कॉरिडोर में ही था, मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर कहाँ है पापा? इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? संभल पड़ने का समय हो गया है, और देर नहीं कर सकता। मेरे यान के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इसके चारों ओर बने अदृश्य कवच की वजह से ये इंसानों की नजर से ओझल रहेगा। अब हर रोज रात 10 बजे इसमें जाकर मैं अमलंद का रूप धारण कर सकता हूं। से मिलने के लिए पहुंच जाए। इस वक्त पापा कहाँ जा सकते हैं? भैया, पापा ठीक तो होंगे ना? हाँ स्वीटी, बता के भी नहीं गए हैं। पापा हमें भी छोड़ के तो नहीं चले गए? नहीं नहीं मीठी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, ठीक है? रिलैक्स, काम डाउन, पापा को ढूंढते हैं। पापा, 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 पापा कहीं इस रास्ते से तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिख तो नहीं रहे पापा, कहाँ जा सकते हैं? पापा, भैया पापा दिखे क्या? नहीं, कहाँ चले गए होंगे पापा? पता नहीं। पता नहीं पापा कब आएंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, भैया पापा आ गए। थैंक गॉड। आप कहाँ चले गए थे पापा? हमें आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। पापा, बहुत बहुत बढ़िया इंसान, गले क्यों पड़ जाते हैं? पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं तो बाहर ही था, पर मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहा होगा। और यहाँ हर बात की सफाई देनी पड़ती है। नहीं नहीं पापा, वो बस हमें आपकी फिक्र थी, इसलिए बस पूछा आपसे।
कर रहे हैं। ये मेरा कमरा है ना? हाँ पापा। वो पापा हम आपको देखने आए थे, वो उस टाइम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए थे ना पापा, इसलिए आ गए। पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। पापा ये है तो आपकी ही बेटियां ना, इन्हें भला आपसे मिलने के लिए परमिशन की क्या जरूरत। माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं पापा। स्वीटी मीठी अब जाकर सो जाओ ठीक है, और इस बार सो जाना। चलो गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट पापा। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको अकेले रहने का मन करता होगा, पर जब भी आपको ऐसा लगा करे आप रूम लॉक कर लिया कीजिए। हमारी दुनिया में ताले नहीं लगाए जाते। हमारी दुनिया? किसकी दुनिया? छोटे जब बड़ों के कमरों में आते हैं तो तमीज से आते हैं, इजाजत लेकर आते हैं, ऐसे घुस नहीं जाते। इसलिए हमारे समय में ताले नहीं लगाए जाते थे। I'm sorry, पापा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और स्वीटी मीटी को भी समझा दूंगा। गुड नाइट। बारेली। मैंने कहा तो था ना पापा कि हम पहली कल आराम से सुलझाएंगे, आपको भी आराम की बहुत जरूरत है ठीक है। गुड नाइट। दरवाजा। स्लीप वेल। माफ करना इंसानों से क्षमा तंश। क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? ये क्या है, बुलबुल की तरह चहक चहक के उस अमल नंदा से बात कर रहे थे आप? क्या पी रहे हो? अमल नंदा का घर में आने का मतलब ये है कि उन तीन मुफ्तखोरों से हमें छुटकारा मिल जाएगा जो कॉकरोचेस की तरह पूरा दिन हमारे घर में भिनभिनाते रहते हैं। फाइनली फाइनली हमारे घर से ये गंदगी साफ हो जाएगी। Cheers. तुम्हें पता है मैं तो भूल भी गई थी कि हमारे घर के ऊपर भी दो रूम्स हैं। Anyway, मैंने तो सोच लिया है कि स्वीटी मीठी के रूम को मैं अपना डिजाइनर वॉक इन क्लोजेट बनाऊंगी और वीर का रूम बनेगा तुम्हारा नया जिम। अगर मैं जारा को बता दूं कि वीर ही हीरो है तो हीरो का थोड़ा और वीर का थोड़ा मिलके जारा को पूरा पूरा वीर पसंद आ जाएगा। जारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? एक्चुअली वीर जो है ना वो ही ना एक्चुअली। हाय जारा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? कमाल करती हो, हैंगर लेकर कूद जाती हो, डिस्टर्ब तो करोगी अब। ओ, ये कल पहनना ना आउटफिट। हाँ ट्राई कर ले। Just give me 5 minutes, हाँ? बंटू, yes, sure. quickly, let's do it. Yeah. ये lines हैं, हाँ? हाँ. Okay. एक काम करता हूँ, सारा को कोड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि वीर ही हीरो है ताकि बाकियों को समझ में ना आए। बोलो, सच बोलो, तुम ही मेरी लाइफ के हीरो हो ना? हीरो है। वीओ है? नहीं नहीं वो अच्छा हीरो है। ओह गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, लेकिन मैं स्नीज नहीं कर रहा था। ओह
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तो आई ओके? कुछ एलर्जी है क्या तुम्हें, या फिर तुम्हें ऐसे दोहरे पड़ते? मैं कहना चाहता हूँ जरा वो वेंडर वेट कर रहे हैं, कैन यू प्लीज हरी अप? या श्योर, वन टू, हम कल करते हैं डबिंग। सारा प्लीज सी द डॉक्टर। को दीदी सारा हम लिसन बाय सी द डॉक्टर। बाय बाय टेक। भाई साहब हमसे ना हो पाएगा सनम, हम जो कुछ भी होगा ना शायद अंकल ही कर पाएंगे। वीर हीरो है, आई इजी वाज दैट इडियट। भैया क्या हुआ? भैया हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? आप हमसे नाराज है ना? तुम लोगों को पता है ना कि मैं अपनी एंग्री बर्ड्स को दुखी बर्ड्स नहीं देख सकता, तो सबसे पहले अपने चेहरे पर ये स्माइल चिपकाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पापा को समझा दिया है। चलो चिरप कर। सुनो मेरी बात, टाइम थोड़ा क्रिटिकल है पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भैया सच बताना, आप हमसे प्यार करते हैं ना? स्वीटी तुम ऐसी बातें अपने दिल पर क्यों ला रही हो? तुम दोनों को पता है कि जब पापा को पता चला कि उनके घर में छोटी छोटी ट्विन्स आने वाली हैं, तो वो कितना खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि कभी कभी मुझे भी जेलस होने लगता था। इनफैक्ट तुम दोनों का नाम स्वीटी मीठी उन्होंने ही तो रखा है। पापा लव्स यू बोथ अ लॉट। बट भैया उनका ना बिहेवियर कभी कभी, पापा की याददाश्त जा चुकी है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता है कि एक बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होता है। पर होपफुली वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी याददाश्त भी लौट आएगी। भैया पापा इतने सालों बाद घर पे वापस आए हैं, आपको नहीं लगता उनके वेलकम के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए? है ना? क्या आइडिया है? नाइस। तुम लोग ना। क्या अंकल मिल गए? यस अंकल मिल गए। अब तूने मुझे बताया भी नहीं, मतलब अगर वो तेरे सगे पापा हैं तो क्या हुआ? मेरे भी तो ऑलमोस्ट पापा है। जब उनको ढूंढने का टाइम था तब बंटू वीर तुकेले तुकेले, और जब उनको मिलने का टाइम आया तो वीर अकेले अकेले। हाउ मी मिल दैट? बंटू बंटू सुनेगा भी आप? तुझे पता हम लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा था ये जान के कि अब उन्हें कुछ भी याद नहीं। याद नहीं मतलब? उनकी याददाश्त जा चुकी है बंटू, ऊपर से 15 साल से अपनी फैमिली से दूर रहे तो उनके अंदर से फैमिली वाली सारी फीलिंग्स भी जा चुकी है। कुछ करना होगा यार। ए तू टेंशन मत ले बच्ची, अपन लोग ना अंकल के लिए ऐसी वेलकम वाली फील करेंगे ना कि उनके अंदर सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। तू चिल मत, मैं आता हूँ तेरे को मिलने। ओके ठीक है, आ जा। क्या बंदू? पहले तो इसके अंदर जो नाम है ना वो चेंज करूंगा मैं। क्या? हमारे यहाँ बड़ों को सम्मान देने के लिए सबसे सही उपाय माना जाता है उनके शत्रु का सर काटकर उन्हें भेंट कर देना। तुम भी तुम्हारे शत्रु यानी दंश का सर काटकर अपने दोस्त के पिता के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते? बहुत खुश होंगे वो। बेरहम, बेदिल, बेताल कहीं का, हाँ ऐसे असुरी आइडिया ऐसा अपने पास ही रखा कर। देखते ना प्लास्टिक खा खा कर तेरे दिमाग के अंदर कचरा भर गया, कचरा। तेरे को ना कल मैं पालक और बादाम खिलाने वाला हूँ। नहीं बंधु, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम इंसानों के खाना हम असुरों के लिए जहर है। हाँ तो फिर ऐसे घटिया आइडिया देना बंद कर, वरना तेरे को कल से दाल चावल खिलाऊंगा और फिर तो जहर खा के जहरीला डांस करते रहेंगे। नहीं बंधु। वाह नंदा सीनियर को वेलकम करने का क्या फाड़ू आइडिया आया अपने को। बंटू यू आर टू कूल। सो गया, मैं फिर से सो गया। ये दूसरी बार हुआ है, मैं
पृथ्वी पर कई बार आ चुका हूं, पर ऐसी नींद मुझे कहीं नहीं आती जो यहां आती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पापा, आपके लिए ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग पापा। आज सुबह से उठ के मैंने आपके लिए हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आइए आइए पापा। आइए पापा। डन डन। ठीक है, आप जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं, आज हम सब नाश्ता साथ करेंगे। यस पापा। अच्छा लगेगा। मुझे पसंद नहीं है साथ में बैठ के खाना। मैं अपने आप खा लूंगा। कोई बात नहीं पापा, स्वीटी मीटी पापा को आराम से ब्रेकफास्ट करने दो, हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे बट भैया, पापा एक बाइट तो खा ही सकते हैं ना। हाँ, इतना तो कर सकते हैं पापा। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पापा। ये लीजिए पापा। कैसे पता हो इन्हें कि हम असुर इंसानों का खाना नहीं खा सकते? बाप का फर्ज होता है पहले अपने बच्चों को खिलाना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बच्चों को खिला के बाप का पेट भर गया। अब जाओ। पापा, आपने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। भूख लगेगी तो खा लूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं। ओके पापा, खा के बताना कैसा लगा। वीर, मैं उसे सॉल्व करने के लिए बैठा तो था सुबह, पर वो बहुत डिफिकल्ट है। पर कोई बात नहीं पापा, हम उसे साथ में मिलके सॉल्व कर लेंगे। पर आज इतना स्पेशल डे है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। किसी भी खास मौके पर पहले ही अपने भगवान को याद करते हैं, कहीं ये मुझे किसी मंदिर में तो नहीं ले जाएगा? मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता। मैं समझता हूं पापा, पर मैं आपको मंदिर लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको किसी खास जगह लेकर जा रहा हूं। कहां? ए वीरगति। वीर नंदा, सन ऑफ अमल नंदा। तेरा नाम वीर नंदा है क्या? पता नहीं वीर गति कैसे चढ़ गया जबन पे। हाँ सर, छोड़। तांबे। जी सर। अरे वीर नंदा, फिर आ गए यहाँ पे।
तू सुधरेगा नहीं, आज तो मैं तुझे एक सेकेंड पाटिल सर। हाँ एक सेकेंड, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.